अब रुक भी जाओ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी बारी। पोनी तो बदमाश, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती? पकड़ लिया। पोनी, तुम्हें पता है तुम मेरी पसंदीदा वॉच कार हो। गुदगुदी हो रही है पोनी। पोनी की वजह से नूरी कितनी खुश रहने लगी है। पोनी, पोनी जब तक हो सके तुम नूरी के साथ ही रहो। S009 को पहुंचा दिया है। वो क्या है? कोई खाने की चीज़ है क्या? तुम बेवकूफ। दर्द होता है। माफ करना सर। क्या आप उस वॉच कार की बात कर रहे हैं जिसे आप इतने वक्त से ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो एक बहुत ही खास किस्म की कार है। मेरी अहम योजना का हथियार। उसे मेरे पास लेकर आओ। इस बार कोई गलती माफ नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल मास्टर। लगता है वो बहुत जल्द दोबारा मेरे हाथों में होगी। डॉक्टर खान, आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि मेरी रिसर्च को रोकना आपकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर देखते हैं क्या होता है। का कितना मजा आया ना? हे, देखो बच्चों, इसे देखो। नहीं, ये कैसे आ गई? सिट, बस करो। हमें शर्म आ रही है, तुम हमें क्यों दिखा रहे हो? ये नहीं दिखाना था, मुझे ये दिखाना था। इस वॉच कार का नाम है S009। दुनिया की सबसे पहले बनी वॉच कार्स के नमूनों में से ये एक ही बची है। इसमें एक AI चिप है जो अपने आप बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकती है। दिक्कत यह है कि ब्लैक शेडोज भी इसके पीछे है। वो ऐसी मॉन्स्टर कार बनाना चाह रहे होंगे जो खुद लड़ सके। बिल्कुल सही, शायद वो लोग वॉच कार को युद्ध का हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर S009 को ढूंढना होगा उनके ढूंढने से पहले। सेठ, तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्त। हाँ, हम उसे ढूंढ कर वापस ले आएंगे। सर, आपने इस वॉच कार को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनिए श्रीमान, आपने इस तरह की वॉच कार को कहीं देखा है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। हाँ, हम सुबह से ढूंढ रहे हैं फिर भी कुछ पता नहीं चला। शायद वो इस इलाके में नहीं है। कल से हम दो दो की जोड़ियों में पड़ जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। हाँ, ये योजना सही लगती है। हमें उसे ढूंढते हुए 2 दिन हो गए हैं और वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। हम उसे ढूंढने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। हे भगवान, वो S009 है ना? क्या? कहाँ? कहाँ? वाह, हाँ वो ही है, यही होनी चाहिए। क्यों पोनी, क्या हुआ? अरे क्या ये तुम्हारी वॉच कार है? हाँ? नमस्ते, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इस वॉच कार को यहाँ छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसे थोड़ी देर के लिए हमें दो, हम खतरनाक हिस्से को सुधार कर लौटा देंगे। ओ नहीं पोनी, मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें दे नहीं सकती। ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और कुछ नहीं। हमें इस वॉच कार को ठीक करना है इससे पहले कि इसे दुश्मन ले जाएं। कौन दुश्मन? आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। आप चाहे तो हम समझाते हैं आपको। हम वॉच कार खिलाड़ी हैं, वीर और मैं। आपकी बेटी के पास जो वॉच कार है। हाँ? ये बड़ी मछली है, पकड़ ली मैंने। चलो जल्दी वापस चलते हैं। ये ब्लैक शेडोज हैं, इन्हें पकड़ना होगा। अरे वहीं रुक जाओ। मेरी पोनी वापस करो अभी। नूरी रुक जाओ। पोनी। नूरी। नूरी। कोई कोई मदद करो। क्या हो गया? उस लड़की को चोट लगी होगी, चलो जल्दी। नूरी, नूरी, उठ,
मैडम हमें बताइए इसे क्या हुआ? ओ नहीं, हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए जल्दी। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हाँ हेलो, एक छोटी लड़की बेहोश हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। इससे बाहर निकलो नूरी, नूरी। इसके अंदर बैठ जाओ चुपचाप। तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने मत देना। मदद करो, मेरी मदद करो। उसे कस कर पकड़ना। मुझे डर लग रहा है। मदद करो। हटिए, आपातकालीन मरीज, हट जाइए। नूरी, नूरी, अपनी आंखें खोलो नूरी। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है मैम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसे बचाने में कामयाब रहे। तो क्या नूरी बिल्कुल ठीक है? क्या हम उसे घर ले जाएं? जिस जगह उसकी हार्ट वाल्व सर्जरी हुई थी उस जगह उसे कुछ संक्रमण हुआ है, उसे आराम की जरूरत है और फिर हम कुछ बता सकेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं मैम। शुक्रिया बच्चों। पर वो दुश्मन जिनकी तुम बात कर रहे थे, क्या ये वही लोग हैं? हाँ मैडम, वो वॉच कास्ट का गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। हे भगवान, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मेरी प्यारी नूरी कितने सालों बीमार रही और इसलिए अकेले ही बड़ी हुई, लेकिन पोनी से मिलने के बाद वो खुश और स्वस्थ हो गई थी, और अब मुझे डर लग रहा है कि मतलब देखिए जब पोनी मिल जाएगा तो नूरी भी ठीक हो जाएगी। प्लीज बच्चे, मेरी मदद करो पोनी को ढूंढने में, मैं विनती करती हूँ, प्लीज। चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ओ मम्मी, मुझे पोनी की बहुत याद आ रही है। पोनी, पोनी। अगर तुम रोती रही तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम अच्छे से खाओ और दवाई लो, जब तुम ठीक हो जाओगी पोनी वापस आ जाएगा। पर मुझे उससे अभी मिलना है मम्मी। ओ पोनी। अगर हमने जल्दी पोनी को नहीं ढूंढा तो मुसीबत आ जाएगी। पर हम पोनी को कैसे ढूंढेंगे दोस्तों? देखो जब पोनी मिल जाएगा तो नूरी भी ठीक हो जाएगी। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। ऐसा है क्या? क्या योजना है? टडा, ये इसे देखो। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये है पोनी डिटेक्टर, इसे मैंने बनाया है। पोनी डिटेक्टर? हाँ, तुम सच में इससे पोनी को ढूंढ सकते हो? हाँ बिल्कुल। अब मैं इस बटन को यहाँ दबाऊंगा और लगता है पोनी यहीं कहीं है। बस मेरे पीछे आओ, अब देखते हैं। बस थोड़ी दूर। बस हम पहुंच ही गए। वो सच में मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेरे पीछे आओ दोस्तों। ओ अच्छा, पोनी यहाँ शौचालय में कहीं छुपा है। हाँ? मिल गया वहाँ। हाँ? एक दो तीन, चौथे वाले में होगा। यहीं पर है। बस हम पहुँच गए, अब ये दरवाजा खोलेंगे और पोनी यही हमारे इंतजार में होगा। ये दरवाजा खुल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। यहाँ चल क्या रहा है? तुम पोनी नहीं हो क्या?
बाहर निकलो। ये सच नहीं हो सकता। वाओ, तुम्हारी वॉच कार तो नई जैसी लग रही है। हाँ, कल ही मैंने इसे धोया और पोंछा है। मुझे भी अपनी कार धोनी है। वाह,